Hello students, today we will discuss in complex number what is the argument of any complex number and what is the modulus of any complex number. ठीक है? For example बेटा, आपको एक complex number दिया हुआ है, z is equal to x plus i y. You know, आपको ये जो x और y होता है बेटा, ये दोनों कैसे part होते हैं? That is real number. ठीक है? I केवल notation है कि that your movement is along imaginary axis. तो ये आपकी कैसी axis है? Imaginary axis. ये कैसी है? रियल एक्सिस. ठीक है, ये आपका हो गया ओरिजिन. तो x प्लस आई वाई का मीनिंग क्या हुआ बेटा? आपने रियल एक्सिस पे कितना मूवमेंट किया? x. इमेजिनरी एक्सिस पे कितना मूवमेंट किया? y. तो ये आपका ये पॉइंट आ गया, ये ओरिजिन से इसका वेक्टर हो गया, दिस इज वेक्टर z. तो वेक्टर z को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? दिस इज x प्लस आई वाई. बाकी x और y दोनों नंबर कैसे है? रियल. ये इसका x एक्सिस से बेटा एंगल ले लिया, दिस इज थीटा. इसका मैग्नीट्यूड मान लिया बेटा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? r. ठीक है, तो यहां पे हम cos थीटा अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा? cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस. sin थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू कितनी फाइंड आउट हो गई? दिस इज r cos थीटा. y की वैल्यू कितनी फाइंड आउट हो गई? दिस इज r sin थीटा. x और y आपको फाइंड आउट हो गया, अब यहां पे हम रखते हैं. तो x की वैल्यू कितनी होगी बेटा? r cos थीटा. और y की वैल्यू r sin थीटा. मैंने r कॉमन ले लिया, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया बेटा? दिस इज cos थीटा प्लस i sin थीटा. इसको बोलते हैं बेटा, दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म. x प्लस आई वाई में जो भी लिखा जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म. ये जो है बेटा, इसको हम बोलते हैं इसी स्टैंडर्ड फॉर्म का पोलर फॉर्म, जो हमारा मैग्नीट्यूड और आर्गुमेंट के टर्म्स में रिप्रेजेंट होगा वो क्या होगा? पोलर फॉर्म. अब इन दोनों को हम स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं बेटा. अगर हम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा? आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा बेटा, कितना मिलेगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. इसकी वैल्यू कितनी होती है? वन. तो आपको डायरेक्टली क्या मिल जाएगा बेटा? आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो आर की वैल्यू कितनी हो गई? रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है तो इसको बेटा ऐसे भी नोटेट करते हैं, मॉडुलस ऑफ जेड, मतलब उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, दैट इज रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अब आते हैं मेजर पार्ट, इसका आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे. ध्यान से देखो बेटा, मैंने इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को डिवाइड किया. डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? This is r sin theta divided by r cos theta. r sin theta कितना है बेटा? This is y by x. r r cancel हो गया, तो ये आपको मिल गया बेटा tan theta is equal to y by x. ये argument निकालने का formula हो गया. बट इसमें mistake हो जाती है बेटा, क्यों? क्योंकि x negative होगा, y positive होगा, तो भी ये ratio negative आएगा. y negative, x positive होगा, तो भी ये ratio negative आएगा. दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे तो भी रेशियो पॉजिटिव आएगा, और दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे तो भी रेशियो पॉजिटिव आएगा. इसलिए आर्गुमेंट निकालते टाइम कुछ प्रिकॉशंस ध्यान रखने हैं. कौन कौन से प्रिकॉशंस बेटा? ध्यान से देखो. अब जैसे मुझे आर्गुमेंट निकालना है, ये दिया हुआ है, मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया बेटा, दिस इज 1 माइनस आई. ठीक है, तो 1 माइनस आई निकालेंगे तो इसका मॉडुलस कितना हो गया बेटा? मॉडुलस ऑफ जेड, मतलब दैट इज आर. वो तो इजी है, रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो ये हो गया 1 का स्क्वायर. y की वैल्यू कितनी है? माइनस वन का स्क्वायर. क्या आंसर आ गया? रूट टू. कोई चेंज नहीं है. इसका अगर मॉडुलस निकालेंगे तो रूट टू आ गया. आर्गुमेंट निकालेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? y बाई x, मतलब tan थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस वन. नो सी सेकेंड एग्जाम्पल. अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर ये लेके चलूं बेटा माइनस वन प्लस आई, तो भी इसका मॉडुलस वही आएगा. मॉडुलस ऑफ z अभी भी कितना आएगा? रूट ओवर टू. और इसका अगर हम आर्गुमेंट निकालेंगे तो भी कितना आएगा बेटा? दिस इज 1 बाई माइनस वन, दिस इज माइनस वन. दोनों ही केसेस में tan थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस वन. बट ये तो सेम नहीं हो सकता, क्योंकि ये वेक्टर अलग है, ये वेक्टर अलग है. ये रियल पॉजिटिव है, यहाँ पे रियल नेगेटिव है, सेम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन नहीं है. तो करना क्या है बेटा आपको, जो भी आते हैं अगर आप लाइंस के साथ, क्योंकि हम जो एंगल निकालते हैं बेटा, कोई भी वेक्टर का एंगल किससे निकालते हैं? किसी लाइन के रेफरेंस में निकालते हैं. हम ये जो एंगल निकाल रहे हैं किसके रेफरेंस में निकाल रहे हैं? रियल एक्सिस के रेफरेंस में निकाल रहे हैं. या तो क्लॉकवाइज मूव करेंगे या एंटी क्लॉकवाइज, जो भी है. जो भी मूवमेंट होगा वो किसके बीच में होगा? दो लाइंस के बीच का मूवमेंट बेटा क्या हो सकता है? सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन, मतलब माइनस पाई से प्लस पाई.
जो आपका थीटा होगा बेटा वो हमेशा माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में ही मूव करेगा, उसके बाहर नहीं जाएगा, दो लाइंस के बीच के एंगल से ज्यादा नहीं हो सकता। नाउ अब आपको क्या करना है, अगर आपका बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है मतलब जीरो की बात करें तो अगर आपका आर्गुमेंट कितना है थीटा, तो जस्ट एंटी क्लॉकवाइज थीटा है तो क्लॉकवाइज कैसा होगा बेटा, माइनस थीटा। तो अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं तो आपका आर्गुमेंट कितना है थीटा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट कितना होगा माइनस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में इंटर करना है, सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है बेटा 180 माइनस 90 प्लस हम चूज नहीं करते हैं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है, 90 माइनस। तो अगर ये आर्गुमेंट थीटा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में कितना होगा बेटा पाई माइनस थीटा, पाई से आगे तो जा नहीं सकते तो रिवर्स आएंगे, तो फिर क्या लिखेंगे जस्ट जैसे यहाँ पे नेगेटिव था माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा। तो आपके चारों ही क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट बेटा ऐसे चलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट 180 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस ऑफ 180 माइनस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे आओ बेटा कैसे निकालेंगे, अब हमेशा कोशिश करेंगे कि वेक्टर को फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके आइए, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब एक्स और वाई दोनों कैसे होने चाहिए पॉजिटिव। तो आप क्या करिएगा जब भी सॉल्व करेंगे हमेशा मॉड लगा दीजिए, ठीक है, मॉड लगाएंगे तो वैल्यू हमेशा क्या आएगी पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में वेक्टर को लेके आए। tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 45 मतलब पाई बाई 4, यहाँ पे थीटा की वैल्यू भी कितनी आ गई बेटा पाई बाई 4। आफ्टर दैट अब आप क्वाड्रेंट सर्च करो बेटा, यहाँ पे देखो x कैसा है पॉजिटिव, y कैसा है नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव मतलब कौन से क्वाड्रेंट में है फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट कितना होता है माइनस थीटा, इसका मतलब यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ z कितना है माइनस थीटा, व्हाट इज थीटा माइनस पाई बाई 4 आंसर। इस केस में हो बेटा x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, x नेगेटिव y पॉजिटिव मतलब आप कहाँ पे हैं सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट क्या होता है द आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा पाई माइनस पाई बाई 4 मतलब कितना हो गया बेटा दिस इज 3 पाई बाई 4। ठीक है, और बाकी आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं कैसे x पॉजिटिव y नेगेटिव वेक्टर ऐसे ही होगा कि नहीं, और सेकंड केस में x नेगेटिव y पॉजिटिव वेक्टर ऐसे होगा कि नहीं। तो अगर आप यहाँ से एंगल मेजरमेंट कर रहे हैं तो क्लियर दिखाई दे रहा है ये एंगल कितना है, और यहाँ से एंगल मेजरमेंट कर रहे हैं तो ये एंगल तो मेजर नहीं कर सकते क्योंकि 180 से ज़्यादा है, तो कैसे मूवमेंट करेंगे क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज करेंगे तो आंसर कैसा आएगा नेगेटिव, ऐसे भी देख सकते हैं। बाकी आपको ये लर्न रखना है हमेशा बेटा आर्गुमेंट कौन से क्वाड्रेंट में क्या होता है। क्लियर, और एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे आपको दे दिया बेटा मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया दिस इज रूट थ्री माइनस आई, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया माइनस रूट थ्री प्लस आई, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया माइनस रूट थ्री माइनस आई, तीन कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे दिया। तीनों ही क्लासेस में आपको क्या निकालना है आर्गुमेंट। तो मैंने क्या बोला सबसे पहले टेन थीटा मॉड लगा के निकाल लीजिए, टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है बेटा वाई बाई एक्स मॉड लगा दिया, इस केस में भी टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स मॉड लगा दिया, और थर्ड केस में बेटा टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स यहाँ पे भी मॉड लगा दिया। तीनों ही केसेस में टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा दिस इज मॉडलस लगाने के बाद 1/√3, 1/√3 कितने डिग्री पर होता है दिस इज 30 डिग्री पाई बाई 6। ठीक है, यहाँ पे भी थीटा कितना आ जाएगा बेटा सेम पाई बाई 6, यहाँ पे भी थीटा कितना आ जाएगा दिस इज पाई बाई 6। अब निकालते हैं तीनों ही केसेस में आर्गुमेंट क्या होगा, इस केस में आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होगा, इस केस में आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होगा, और इस केस में आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होगा। ठीक है, तो आप मेजर करो बेटा, इसमें आते हैं ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, कहां पे है बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है आर्गुमेंट माइनस थीटा, तो इसका आंसर क्या हो गया माइनस पाई बाई 6। यहां पे आते हैं बेटा इसमें कैसे मेजरमेंट होगा, x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, x नेगेटिव y पॉजिटिव मतलब यहां पे है, यहां पे आंसर क्या होता है 180 माइनस थीटा पाई माइनस पाई बाई 6, क्या आंसर आ गया बेटा 5 पाई बाई 6। थर्ड केस में आ बेटा, थर्ड केस में क्या बोला है x इज नेगेटिव y इज नेगेटिव, कहां पर हैं आप यहां पे हैं, यहां पे आर्गुमेंट क्या होता है माइनस ऑफ 180 माइनस थीटा, तो यहां पे आंसर कितना आ गया बेटा दिस इज माइनस 5 पाई बाई 6। अब ये क्लियर हो गया, आपका जो आर्गुमेंट की वैल्यू कभी भी प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू कभी भी माइनस पाई से प्लस पाई से बाहर एक्सीड नहीं कर सकते। क्लियर, पहले बोला था कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जब रिप्रेजेंट हो रहा है जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक है, इसको मैंने क्या बोला था दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म,
जब मैंने x और y की वैल्यू रख दी थी तो आपको मिल गया था बेटा दिस इज r cos theta plus i sin theta. इसको हम बोलते हैं दैट इज पोलर फॉर्म. r इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं बेटा sis theta. sis theta का मतलब ही हो गया cos theta plus i sin theta. इसको बोलते हैं sis फॉर्म. सब एक ही चीज है बेटा. r cos theta plus i sin theta को e की पावर i theta, जो यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है एंगल, इसको बोलते हैं यूलर्स फॉर्म. ये सारी की सारी चीजें एक ही वेक्टर के नोटेशन पे आ रही हैं, ठीक है. वो कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म या पोलर फॉर्म या सिस फॉर्म या यूलर्स फॉर्म, ठीक है. अब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ध्यान से देखो बेटा. जैसे मैंने बोला आर इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है वन माइनस आई, चेंज कर देते ताकि आपकी सारी चीजें, मैंने बोल दिया 1 बाई 1 माइनस आई. आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, मैंने बोला इसके सारे फॉर्म में कन्वर्जन निकालो. तो सबसे पहले तो ये तो कोई फॉर्म नहीं है क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगा तो हम सारी चीजें चेंज कर सकते हैं. ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है. स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे निकलेगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए आपको क्या करना है बेटा, इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. तो कॉन्जुगेट क्या होता है पहले समझ लो बेटा. अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है एक्स प्लस आई वाई, तो इसका जो कॉन्जुगेट होता है बेटा आई का साइन चेंज कर दो माइनस आई वाई, उसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड के ऊपर बार. जेड बार मतलब कॉन्जुगेट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉन्जुगेट क्या होता है आई के आगे बेटा क्या लगाना है माइनस आई. कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है हमेशा ध्यान रखना बेटा, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड दिया हुआ है तो इसकी जो मिरर इमेज होती है उसी को जेड कॉन्जुगेट बोलते हैं, ठीक है. उसकी जो मिरर इमेज होती है उसे क्या बोलेंगे, जेड कॉन्जुगेट. तो आप सभी ध्यान रखना आई का साइन चेंज कर दो ऑटोमेटिक उस कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ जाएगा कॉन्जुगेट. नाउ अब मैंने इसको रेशनलाइज करना है बेटा, क्या करेंगे इसको कॉन्जुगेट. इसका कॉन्जुगेट कितना हुआ बेटा 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई 1 प्लस आई से डिवाइड. ऊपर कितना हो गया बेटा दिस इज 1 प्लस आई, नीचे कितना हो गया 1 माइनस आई स्क्वायर, ये हो गया बेटा 1 प्लस आई बाई 2 मतलब 1 बाई 2 आई बाई 2. ये हमारा कौन सा फॉर्म हो गया एक्स प्लस आई वाई, ये किसका रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म. तो पहला फॉर्म हो गया बेटा जेड इज इक्वल टू ये कितना आ गया दिस इज 1 बाई 2 प्लस आई 1 बाई 2 पहला आंसर. अब आते हैं पोलर फॉर्म. पोलर फॉर्म निकालने के लिए किसकी नीड है बेटा, आर की नीड है और थीटा की नीड है. तो पहले निकालते हैं आर. तो आर कितना हुआ बेटा रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 4 दिस इज 2 बाई 4 1 बाई 2 ये हो गया बेटा आपका 1 बाई रूट 2. अब निकालते हैं आर्गुमेंट. आर्गुमेंट कितना हो गया बेटा tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई 2 बाई 1 बाई 2 मॉड लगा दिया कितना आ गया 1. तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 45 डिग्री. अब बेटा x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, कहां पे आप फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट क्या होता है थीटा, तो यही हो गया. अब आपको बेटा r मिल गया और थीटा मिल गया रिप्लेस हियर, तो ये कितना हो गया बेटा दिस इज 1 बाई रूट 2 cos थीटा. व्हाट इज थीटा पाई बाई 4. तो आपका आंसर हो गया बेटा दिस इज cos पाई बाई 4 प्लस i sin पाई बाई 4, ठीक है. ये कौन सा फॉर्म हो गया, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, ये हो गया आपका बेटा पोलर फॉर्म. नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट फॉर्म कौन कौन सा है सिस फॉर्म एंड एलोस फॉर्म, वो तो निकालने की नीड नहीं, सारे डाटा आपके पास है बेटा. आर, आर कितना है 1 बाई रूट 2 सिस थीटा, व्हाट इज थीटा पाई बाई 4. नेक्स्ट कितना है बेटा आर, आर मतलब 1 बाई रूट 2 ई की पावर आई थीटा, व्हाट इज थीटा पाई बाई 4. ये इसका एलोस फॉर्म, ये इसका सिस फॉर्म, ये इसका पोलर फॉर्म, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म. तो सारे कन्वर्जन अब एक साथ सीख गए, क्लियर. अब कर दे, ये क्लियर हो गया. नेक्स्ट आते हैं बेटा, अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन वगैरह जो कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, ठीक है. तो पहले उसको समझते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर उसका नोटेशन क्या है वो भी समझते हैं. जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया हो बेटा दिस इज एक्स वन प्लस आई वाई वन. अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा. तो मैं इसको एलोस फॉर्म में लिख रहा हूँ ताकि आपको समझाना आसान हो. इसका एलोस फॉर्म कितना हो गया बेटा, मैंने मान लिया इसका मैग्नीट्यूड है आर वन और इसका आर्ग्यूमेंट है थीटा वन, ठीक है. एलोस फॉर्म रिप्रेजेंटेशन किया. इसका दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने ले लिया बेटा कुछ एक्स टू प्लस आई वाई टू. इसका मतलब क्या हुआ दिस इज आर टू इंटू ई की पावर आई थीटा टू, हो गया. नाउ
अब मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो दोनों को मल्टीप्लीकेशन करने से क्या मिलेगा बेटा, यू विल गेट जेड वन इंटू जेड टू, क्या आएगा, आर वन इंटू ई की पावर आई थीटा वन इंटू आर टू इंटू ई की पावर आई थीटा टू, आर वन इंटू आर टू एक साथ लिख दिया, ये दोनों पावर ऐड हो गया बेटा, दिस इज आई थीटा वन प्लस थीटा टू, ये जेड वन इंटू जेड टू, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, तो उसको ध्यान से देखो बेटा, ये क्या है उसका मैग्नीट्यूड, दिस इज कैपिटल आर, ये क्या है थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है थीटा वन प्लस थीटा टू, इसका मतलब वो इसका क्या हो गया आर्गुमेंट, ये आर्गुमेंट हो गया, ये क्या हो गया मैग्नीट्यूड, तो इसका नोटेशन कैसे हो रहा होगा बेटा ध्यान से देखो, मतलब जेड वन इंटू जेड टू वैक्टर कहाँ पे है, तो पॉइंट पकड़ना बेटा, मान लो ये वैक्टर है जेड वन, ठीक है ये वैक्टर है जेड टू, चूंकि ओरिजिन लिया है तो यही पॉइंट वेक्टर होगा, यही लाइन वेक्टर होगा, नाउ इसका आर्गुमेंट कितना लिया था बेटा मैंने, दिस इज थीटा वन, इसका आर्गुमेंट कितना लिया था बेटा, दिस इज थीटा टू, आपको दोनों वेक्टर का इंडिविजुअल आर्गुमेंट पता है, ये आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि जब दोनों वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन किया तो उसका आर्गुमेंट कितना हो गया थीटा वन प्लस थीटा टू, अब मुझे बताओ बेटा थीटा वन प्लस थीटा टू कैसे आ सकता है, ग्राफिकली जेड वन इंटू जेड टू कहां पे है, एनी गेस, ध्यान से देखो बेटा, पहले इस वेक्टर को देखो, ये वेक्टर का एंगल कितना है थीटा टू, ये वेक्टर का एंगल कितना है थीटा टू, अगर इस वेक्टर को हम एंटी क्लॉकवाइज थीटा वन डिग्री और घुमा दें, कौन से वेक्टर को जेड टू वेक्टर को, जेड टू वेक्टर को अगर हम इंडिविजुअली एंटी क्लॉकवाइज थीटा वन डिग्री घुमा दें, तो ये जो विनया वेक्टर मैंने डॉटेड ड्रॉ किया है उसका एक्स एक्सिस एंगल कितना हुआ थीटा टू प्लस थीटा वन, हुआ कि नहीं, और यहां पे भी आर्गुमेंट कितना आ रहा है थीटा वन प्लस थीटा टू, इसका मतलब ये जो वेक्टर है ये कौन सा वेक्टर है जेड वन इंटू जेड टू, ये कैसे मिला, जेड टू वेक्टर को थीटा वन डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर मिला, ठीक है ओके, और कुछ पॉसिबिलिटी है थीटा वन प्लस थीटा टू लाने की, बिल्कुल है बेटा, इस वेक्टर का आर्गुमेंट कितना है थीटा वन, अगर इस वेक्टर को हम थीटा टू डिग्री घुमा दें, कितना डिग्री घुमा दें थीटा टू डिग्री, तो पहले से ये कितना था थीटा वन और कितना घूम गया थीटा टू, तो नई लोकेशन कितनी हो गई थीटा वन प्लस थीटा टू, यहीं पे तो पहुंचेंगे, इसका मतलब जेड वन इंटू जेड टू वैक्टर कैसे मिलता है, इसका एम्पलीट्यूड बेटा थीटा वन है, इसका एम्पलीट्यूड कितना है थीटा टू, पहले वेक्टर को एंटी क्लॉकवाइज दूसरे वेक्टर के एम्पलीट्यूड के बराबर एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, या दूसरे वेक्टर को पहले वेक्टर के एम्पलीट्यूड में एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, दोनों ही कंडीशन में कौन सा वेक्टर ऑब्टेंड होगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ जेड वन इंटू जेड टू, ठीक है, अगेन है तो ये कॉम्प्लेक्स वेक्टर, कुछ भी हो आपका आर्गुमेंट चाहे मल्टीप्लीकेशन करें या कुछ भी करें माइनस पाई से प्लस पाई से ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा, तो कैसे करते हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं बेटा, जैसे मैंने बोल दिया एक वेक्टर है आर्गुमेंट ऑफ जेड वन उसका दिया हुआ है पाई बाई टू, ठीक है 90 डिग्री, एक वेक्टर है आर्गुमेंट ऑफ जेड टू उसका वेक्टर है बेटा 2 पाई बाई थ्री, ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग बेटा आर्गुमेंट ऑफ जेड वन इंटू जेड टू क्या होता है, क्लियर दिखाई दे रहा है थीटा वन प्लस थीटा टू, तो ये हमारा थीटा वन हो गया ये थीटा टू हो गया, तो आंसर क्या होना चाहिए दिस इज पाई बाई टू प्लस टू पाई बाई थ्री, एलसीएम कितना हो गया 6, तो ये कितना आ गया बेटा 3 पाई, एलसीएम हो गया बेटा 6, तो ये कितना आ गया दिस इज 3 पाई प्लस 4 पाई, आपके अकॉर्डिंग आंसर आ गया बेटा 7 पाई बाई 6, बट क्या हो सकता है ये नहीं हो सकता क्योंकि 7 पाई बाई 6 इज मोर देन पाई, तो प्रिंसिपल जो भी आप बात कर रहे हैं आर्गुमेंट निकालने के लिए हमेशा जनरल ध्यान रखना बेटा, प्रॉपर्टी में क्यों कर रहे हैं वो भी समझ गया, आर्गुमेंट ऑफ जेड वन जेड टू इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ जेड वन प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड टू प्लस टू के पाई, टू के पाई क्या बेटा हम रोटेशन कर रहे हैं, ठीक है, जहां पे के की बेटा तीन ही वैल्यूज हो सकते हैं या तो माइनस वन या जीरो या वन, जीरो होगा तो सिंपल यही आ जाएगा, वन होगा तो आपको टू पाई रोटेट करा देगा, कैसा एंटी क्लॉकवाइज, माइनस वन होगा तो ये आपको फिर से रोटेट करा देगा कैसे क्लॉकवाइज,
अब यहाँ पे अप्लाई करो बेटा। अगर हम आर्गुमेंट ऑफ जेड वन जेड टू निकाल लेते तो क्या करेंगे, आपको कितना निकला था बेटा, पाई बाई टू प्लस टू पाई बाई थ्री प्लस कितना, टू के पाई। ये कितना हुआ बेटा, ऊपर लिख रहा हूँ, ये आपका आ गया बेटा सेवन पाई बाई सिक्स प्लस कितना, टू के पाई। अब आपको खुद सोचना है के की वैल्यू माइनस वन, जीरो और वन में क्या हो सकती है, जीरो तो नहीं हो सकती क्योंकि फिर जो आंसर रहेगा वो पाई से एक्सीड करेगा। वन लेंगे तो ये टू पाई इसमें ऐड हो जाएगा, दैट इज अगेन मोर देन पाई, क्या लेना पड़ेगा माइनस वन। तो अगर माइनस वन लेंगे तो सेवन पाई बाई सिक्स माइनस टू पाई कितना आंसर आ गया, दिस इज माइनस फाइव बाई सिक्स। तो ये जो आर्गुमेंट है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, माइनस पाई से प्लस पाई। तो ये हमेशा ध्यान रखना है आपको, मल्टीप्लीकेशन का वेक्टर कैसे मिलता है, स्पेस में कहां पे होता है और क्या अप्लाई होता है। क्लियर? ओके, टेक केयर।